एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड इट्स अ मीशो हॉल वीडियो। एंड आई नो आजकल मैं मीशो से कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इतने अफोर्डेबल और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं कि लिए बिना रुका ही नहीं जाता। सो आज का वीडियो होने वाला है इयररिंग और हेयर एक्सेसरीज पे बेस। एंड या गाइज, वन मोर थिंग, आपको पता है कि मैं यही सेम वीडियो 2 डेज पहले शूट कर चुकी थी, बट मैंने उसको जब एडिट करने के लिए लाइक स्टार्ट किया तो उसमें वॉइस ही नहीं थी मेरी। लाइक सिंगल वीडियो में मेरी वॉइस नहीं थी। मैंने सोचा कि यार पहले चेक कर लिया होता, चेक क्यों नहीं किया, ये क्या हुआ, अब फिर से शूट करना पड़ेगा सारा। तो अब मैं फिर से शूट कर रही हूँ इस वीडियो को। तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और प्लीज मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो मेरे को। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या परचेस किया है। सो आज हमने कुछ ज़्यादा ही स्टफ परचेस कर लिया। लाइक हमारे पास 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं एंड देन 5 एंड 6। एक्चुअली ये 2 का सेट है बट ये दोनों एक ही साथ में मिले थे तो हम इसको सिंगल काउंट करते हैं, तो 6। तो आज इतनी चीज़ें हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या आया है। सो गाइज, आर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। ये एक छोटे से क्यूट से बॉक्स में आया है और इसके अंदर है टडा, इसके अंदर है ऑक्सीडाइज झुमके और ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारे हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पास से देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये देखने में आपको लगेगा कि हैवी है बट इसका वेट बहुत ही लाइट वेट है। आप इनको कैरी कर सकते हो पूरे सुबह से लेकर शाम तक, लाइक पूरे दिन भी आप इसको कैरी करोगे तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पहन रखा है, बहुत भारी सा है। बट ये मतलब बहुत ही लाइट है और इजीली कैरी कर सकते हो और ये पहनने के बाद भी बहुत क्यूट लगता है। मतलब झुमके ना, मतलब ऐसे वाले झुमके मुझे काफ़ी पसंद हैं तो ये अच्छा लगता है। मैं आपको एक पहनते दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा लुक देगा। और इसमें नीचे छोटे छोटे से ये झुमके, झुमके क्या बोलते हैं इनको, स्टोन बीट्स जैसे हैं इसमें ये लगे हैं, जो कि बहुत प्यारी ही साउंड देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये पहने हुए, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप इसको किसी भी अपने ट्रेडिशनल अटायर पे कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लुक देगा। लाइक ये ऑक्सीडाइज है तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ यही एक बेनिफिट होता है कि आप उसको किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर कैजुअल मॉडर्न हो। आपने कुर्ती पहनी है तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, साड़ी पहनी तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, किसी के साथ भी आप इसको पहनोगे तो ये एकदम मस्त लगने वाला है। तो आप तो देख ही रहे हो, जैसे कि मैंने तो ये सिंपल सा स्वेटर पहना है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये झुमकी है, क्यूट है। तो चलो अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये बहुत क्यूट है, आप देख सकती हो प्यार से, आप पास से देख सकती हो कितना प्यारा। और इसमें नीचे फ्लावर्स की यहाँ पे डिटेलिंग्स दी गई हुई है, यहाँ पे बीड्स है, यहाँ पे भी बीड्स है। मैं बहुत ही क्लम्जी हो रखी हूँ आजकल, सारी चीज़ें गिराती रहती हूँ, खुद तो गिरती पड़ती रहती हूँ, चीज़ें भी गिराती रहती हूँ। तो चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये भी एक ब्राउन से बॉक्स में है और इसमें है, ओ ये है नथ, लाइक नोज रिंग। तो ये मैंने अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर करी है। तो ये भी वैसे प्यारी है, लाइक सिंपल एलिगेंट, बहुत ही लाइक बहुत हैवी हैवी नहीं है, बहुत सिंपल सी है ये। इसमें कुछ अनुष्का की फ़ोटो भी बनी हुई है जो अनुष्का ने अपनी वेडिंग पे पहनी थी। और बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है, जो अनुष्का की पहनी, मतलब जो अनुष्का ने पहनी है उसमें मिडल में ग्रीन बीड्स है और जो मैंने ऑर्डर किया है वो मैंने रेड कलर में ऑर्डर किया है, मतलब जो बीच का बीड्स है वो रेड कलर में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। पहले आप अनुष्का की फ़ोटो देख लीजिए, ये अनुष्का ने ये वाली नथ वेयर कर रखी है। लाइक आप देख सकते हैं अनुष्का ने ये नथ वेयर करी है और बिल्कुल सेम, लाइक बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम रिसीव हुआ है मेरे को, बिल्कुल सेम गोल्डन कलर की यहाँ से है, साइड साइड में पर्ल्स वाली डिटेलिंग है, बीच में रेड वाला बीट्स है और इसकी प्यारी सी चेन है जिसमें छोटे छोटे पर्ल्स हैं और गोल्डन की चेन है। और यहाँ से अटैच करने के लिए इसमें छोटे छोटे वाइट से पर्ल भी दिए हैं ताकि ये आपको चुभे नहीं। और लास्ट में इसमें हुक दिया गया है ताकि आप इसको अपने हेयर्स में आराम से अटैच कर सकें। तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। लेकिन ये भी बहुत एलिगेंट लुक दे रहा था, बहुत ही लाइक हैवी नहीं है और हैवी अच्छे भी नहीं लगते ज़्यादा बहुत। अगर किसी आपको शादी फंक्शन में जाना है, किसी की मैरिज है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। थोड़ा नीचे हो गया लग रहा,
या प्यारा लग रहा है, लाइक इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी नोज पियर्सिंग नहीं है, बट फिर भी मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, तो ये मुझे इसका बेनिफिट लग। ओप्स, आई थिंक ये मुझे थोड़ी सी लूज है या तो इसको मैंने फिर ट्राई किया। अब देखते हैं कि ये गिरता है या नहीं, या फिर मैंने ही उसको शायद लूज थोड़ा सा इसको ऐसे दबाना पड़ता है जिससे कि वो अटैच हो जाए एक प्लेस पे। तो हाँ, अब ठीक लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दे रही है ये, और जो इसकी चेन जा रही है वो इसके लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर रही है। तो लाइक कोई भी, जैसे कि अगर आपको भी नथ पहनने का शौक हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। लाइक ये बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत ही सिंपल सी है, ऐसा भी नहीं कि कुछ हैवी हो ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से तो इसके लिए थम्स अप है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये एक ईवल आई का ब्रेसलेट है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे 2 का सेट रिसीव हुआ था और इसमें ईवल आई का पेंडेंट बना हुआ है, तो मैंने ये उसी की वजह से लिया क्योंकि मुझे ईवल आई का ये पेंडेंट चाहिए था। लेकिन मुझे ईवल आई वाला कुछ ऐसा ब्रेसलेट चाहिए था, तो मुझे ये मीशो पे मिला तो मैंने ये ले लिया। तो ये कुछ इस तरीके से है, आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं। इसमें ये ईवल आई का पेंडेंट बना है और ये एडजस्टेबल है, आप इसको अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे, और फिर आपको जितना टाइट या लूज रखना है वो आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, लाइक इसमें ये छोटा सा पेंडेंट है ईवल आई का। मैंने इसी की वजह से इसको परचेज किया था, लाइक मुझे ईवल आई का ब्रेसलेट चाहिए था कुछ, तो ये काफी क्यूट लगता है, बहुत ही सिंपल सा है। ये मुझे 2 का सेट रिसीव हुआ था, ये सेकेंड ये है, तो ये मुझे दोनों एक साथ मिले थे और अफोर्डेबल भी थे तो मैंने ले लिया ये। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी रिस्ट खाली है तो ये सिंपल सा आप एक ब्रेसलेट डाल सकते हैं और प्यारा लुक देता है ये, सिंपल सा एलिगेंट सा और अच्छा भी लगता है। सो आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये एक हेयर एसेसरीज है, पास से देख सकते हैं। ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लाइक टियारा कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना प्यारा मिलेगा। लाइक इसमें 3 फ्लावर्स हैं और ट्रांसपेरेंट बीड्स हैं, देख सकते हैं इसमें ये 3 फ्लावर्स हैं और ट्रांसपेरेंट बीड्स हैं, और ये आपके हेयर पे लग के बहुत ही प्यारा लुक देगा। और इसको आप मल्टीपल स्टाइल्स में कैरी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको अपना हेडबैंड बनाना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साइड में यूज करना है तो साइड में भी कर सकते हैं, पीछे बैक साइड में यूज करना है तो वहां भी कर सकते हैं। आप ब्रेड्स बना के उसके ऊपर से साइड में टक कर सकते हैं, अपना जूड़ा बना के उसके साइड में ऐसे अटैच कर सकते हैं, लाइक हर लुक में ये बहुत प्यारा लगेगा। तो इसमें ये साइड में कुछ ऐसा ये हुक सा दिया है ऐसे राउंड में, और यहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे कर्व है, तो आपकी जो भी मतलब बॉबी पिन या जूड़ा पिन होगा वो आप दोनों साइड से अटैच करके और फिर उसके बाद में सिंपली इसको कैरी कर सकते हैं ऐसे, कितना प्यारा लग रहा है जैसे कि। या फिर अगर आप चाहो आपको साइड में इसको यूज करना है तो आप साइड में भी कर सकते हो, और हाँ ये बैंड भी होता है, लाइक आप इसको कैसे भी शेप में टर्न कर सकते हो, आपको जैसे भी आपको अपने हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको अगर इसी साइड पे चाहिए तो ऐसे आप लगा सकते हो और बहुत ही प्यारा लुक देगा, लाइक आपके सिंपल से हेयर स्टाइल को ये बहुत ही प्यारा बना देगा। लाइक इसकी वजह से आपका हेयर स्टाइल पूरा एनहेंस होके दिखेगा। और आप चाहे तो इसमें और भी डिजाइन अवेलेबल है तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, बट ये मुझे पसंद आया। बट जो ये मुझे रिसीव हुआ है वो फोटो से थोड़ा अलग है, लाइक फोटो इसकी थोड़ी सी अलग थी, बट जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो ऐसा कुछ 3 फ्लावर्स वाला है ट्रांसपेरेंट बीड, ये मुझे उससे ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो या आई एम हैप्पी विद दिस। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये मुझे 200 से भी कम प्राइस में मेरे को ये प्रोडक्ट मिला है, और इसमें है 3 इयररिंग्स, लाइक ऑक्सीडाइज इयररिंग है और 3 इयररिंग्स मिले हैं मुझे अंडर 200, आप कह सकते हैं, मतलब 200 भी नहीं है, लाइक 180 अराउंड समथिंग है। तो ये मुझे रिसीव हुआ है, और ऑक्सीडाइज तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो या ये मुझे 3 इयररिंग्स मिले हैं इसमें, 1, 2 एंड 3, अंडर 200 अगर आपको 3 ऑक्सीडाइज इयररिंग मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी डील है। ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे और लाइट वेट भी है, ज्यादा हैवी नहीं है। तो फर्स्ट इज दिस, इसमें कुछ गणेश जी का फेस बना है, तो ये मुझे काफी प्यारा लुक लगा और अच्छा लग रहा है। ऊपर त्रिशूल टाइप है, नीचे में ये कुछ छोटे छोटे पर्ल्स हैं, तो ये भी पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो वैसे भी बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद, तो
अभी मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दे रहा है, लेकिन बहुत ही लाइट वेट है, जो मैंने आपको चुमके दिखाए थे उससे भी ज्यादा ये लाइट वेट है। तो चलिए मैं इसको आपको सेकेंड दिखाती हूँ इसका। तो सेकेंड इज दिस, इसमें कुछ एलिफेंट बने हैं मिडल में और ये कुछ इस तरीके से है, और बीच में ये छोटे छोटे लाइक बीड्स टाइप है कुछ, और ऊपर एक छोटा सा स्टोन लगा है वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हैं ये। और चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हैं कौन से ज्यादा अच्छा है, बट मेरे को तो तीनों ही काफी अच्छे लगे, लाइक तीनों ही बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। तीनों के डिजाइन अलग अलग है, लाइक ये वाला थोड़े से लेंथ इसकी ज्यादा है और इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, बट ये थोड़ा ब्रॉड है और ये थोड़ा लाइक स्ट्रेट में है। तो या तो मैं दोनों पहन लिए हैं, तो आप बताइए आपको कौन सा ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस साइड में ये गणेश जी वाले हैं और इस साइड में ये एलिफेंट डिजाइन वाला है। तो आप बताइए आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लाइक दोनों ही अलग अलग अपना लुक दे रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो चलो अब इसका थर्ड भी देख लेते हैं। तो ये थर्ड है और ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा इसमें वेट है, लाइक अगर आप कैरी करोगे तो हल्के से हैवी है, मतलब ये भी आप लाइट वेट में काउंट कर सकते हो। लाइक जैसे इसके डिजाइन है और इसमें रियल मिरर का वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको भारी होना था, बट उस अकॉर्डिंग ये काफी लाइट वेट है। तो सबसे लाइट वेट ये वाला है, जैसे कि अभी मैंने दोनों एक साथ पहने हुए हैं तो मुझे पता लग रहा है कि सबसे लाइट वेट ये है, और सेकेंड नंबर पे ये है, देन थर्ड नंबर पे ये है। आप इसको पास से देख सकते हैं, इसमें रियल मिरर का वर्क है और नीचे से छोटे छोटे बीड्स हैं, और ये लेंथ में भी बड़े हैं और ये थोड़ी ब्रॉड भी हैं, तो दोनों का मिक्सचर ही है ये एक तरीके से। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। तो कौन सा निकालूं, ये वाला निकालती हूँ। सो यो लेट्स ट्राई दिस। लाइक मैं ना इयररिंग पहनती नहीं हूँ ज्यादा, डेली बेसिस पे तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभार जैसे बाहर जाना हो तभी मैंने पहने हैं इयररिंग्स, वरना मैं नहीं पहनती। मुझे बहुत ही ऐसा लगता है क्या करना पहन कैसे ठीक है। तो बट ये ऑक्सीडाइज वाले बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे मैं पहनूँ ना पहनूँ, बट मेरे को लेने का शौक है कि हाँ मुझे सब कुछ कलेक्शन करके रखना है एक एक। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लुक दे रहे हैं। तो ये लाइक दूर से लगेगा कि कितने हैवी पहन रखे हैं, कितने सुंदर पहने हैं, बट किसी को क्या पता कि ये तो मीशो से लिए हैं और बहुत ही लाइट वेट है और प्राइस भी इनका छुटू मुटू है। तो आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ में, तो बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा ज्यादा। तो यार मुझे तो तीनों ही बहुत ही प्यारे लगे, मैं बता ही नहीं सकती कौन सा अच्छा ज्यादा है कौन सा कम है, बट बाकी सब मेरी तरफ से 10/10। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, बट पहले इनको निकाल लेते हैं। सो आर नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट इज दिस। तो ये एक नेक पीस है, लाइक नेकलेस है और इयररिंग का सेट है, और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, बट ये मुझे मीशो के प्रोडक्ट इन सब के साथ में ही मिल गया था, तो मैंने सोचा इसको भी इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, लाइक ये नेक पीस है और ये इसके इयररिंग्स हैं। तो ये मैंने कुछ ब्लू और वाइट स्टोन्स में लिया था, तो चलिए देखते हैं कैसा है। सो ये बहुत ही छोटा सा लाइक स्टेटमेंट पीस है, और नीचे इसमें ये छोटा सा पेंडेंट टाइप पर्ल है, और ये ऐसे कुछ बेंड हो जाता है, लाइक आपके नेक के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली बेंड कर सकते हो। तो पास से आप देख सकते हो इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से है, इसमें बीच में फ्लावर्स है और नीचे का ये पेंडेंट है। तो मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैंने इसको पीछे से लॉक नहीं किया है, बट ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आपका कोई भी जैसे कि ड्रेस गाउन या लहंगा कुछ भी ब्लू कलर में हो तो आप इसको उसके साथ पेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लुक देगा। और इसके इयररिंग्स भी छोटे छोटे से हैं, लाइक बहुत बड़े नहीं है, लाइक मीडियम में है। तो ये इसके इयररिंग्स है, लाइक मीडियम इसकी लेंथ है, और इसके साथ में एक ये मांग टीका भी है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, नीचे फ्लावर के डिजाइन है। तो ये इसके इयररिंग्स हैं कुछ ऐसे लगेंगे, और फिर उसके बाद में ये है इसका मांग टीका। अगर आपको मांग टीका पसंद हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो उसके साथ में।
सो या गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।